है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, और हथेली वाला कौन सा हो जाएगा फिर, दायां भाग। ठीक है, ऐसे मत कर देना हाथ को वरना टूट जाएगा, ठीक है ना। अपन को ऐसे करना है, इस दिशा के ज्ञान के लिए ऐसे करना है, ये दायां ये बायां, फिर ऐसे ये दायां ये बायां, फिर ऐसे दायां बायां, फिर ऐसे बायां दायां। ठीक है भैया, आगे बात समझ में? ठीक है, तो मेरे भाई दायां और बायां का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और दायां और बायां का ज्ञान मेरे भाई आपके जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, दायां और बायां साइड का ज्ञान होना चाहिए। अब जीवन के लिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है, जीवन के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो रही है और पंडित जी ने बोला कि साहब खड़े होकर अपनी पत्नी के बाई तरफ फेरे लगाइए, और आपको बाया और दाएं का पता नहीं है और आप दाई तरफ से फेरे काटने लग गए, ठीक है, तो मेरे भाई +7 जन्म की जगह -7 जन्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बाएं और दाएं का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है भाई। इस तरीके से अपन को पता होना चाहिए कौन सा दाया है कौन सा बाया है। तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से? तो इस तरीके से जीवन में बहुत जरूरी है दाया बाया का ज्ञान होना। तो ये था अपने दाया बाया की कहानी, तो आपको पता लगाना कि कौन सा व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है और किस तरफ उसका मुंह है। तो ये अगर उत्तर दिशा में है तो उसका बाया कौन सा है, दाया कौन सा है, अगर पूर्व दिशा में है तो उसका बाया कौन सा है, उसका दाया कौन सा है। ठीक है।